मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल यह है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही ने किया, सबने किया। चार बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी हुआ, कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी चौथी बार सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर एक ने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ नया किया है, करने का प्रयास किया है। अलग विषय परिणाम क्या है, और परिणाम वही रह सकता है जो समस्या पर कम समाधान पर ज्यादा जोर देगा। यही अंतर है। हम लोग समस्या पर बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करते कि समस्या के बारे में चिंता हो जाए। कोरोना महामारी आई, हम लोग तैयारी में जुटे। लोग कहते थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का कमजोर है, इतनी बड़ी आबादी 25 करोड़ की आबादी कैसे बचेगी। लेकिन जब कोरोना के सामने मजबूती के साथ उस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हो गई, कोरोना को भी दुम दबा करके भागना पड़ा। ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर जो परिणाम आए, मैंने पिछले दिनों वे सभी बातें आपके सामने रखी थी, बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सरकार की मंशा सही हो, और इसीलिए मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। एक मनीषी ने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि हम परिणाम दे पा रहे हैं, उसके कारण क्या हैं, आप परिणाम नहीं दे पाए तो उसमें क्या है, उसका भी फर्क साफ है। फर्क साफ है, और फर्क साफ क्या है कि आप समस्या के बारे में सोचते हैं, हम समाधान के बारे में सोचते हैं।